कहने के लिए तो माँ है, लेकिन कब तक? जब तक वो दूध देगी। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी ये गौ माता हैं जो इसका एक सटीक उदाहरण है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वार्थ के लिए ही केवल गाय को पालते हैं। ये HF नस्ल की गाय है, ज्यादातर लोग इसीलिए उपयोग करते हैं कि ये दूध ज्यादा देती है। जब तक दूध दे रही थी तब तक इसको घर पे रखा। अब इसके साथ समस्या ये हो गई कि जो पिछले जॉइंट्स थे, दोनों हिप जॉइंट्स, जब हम कहीं गाय को पक्के वगैरह में रखते हैं तो कभी कभी पैर फिसल जाता है। यदि उसके जॉइंट खुल जाते हैं तो खड़ा करना बड़ा ही मुश्किल है। हम वैसे तो प्रयास सभी प्रकार से करते हैं, हम चाहे फोर्कलिफ्ट मशीन से उठाने का प्रयास करते हैं, ग्लूकोज आदि के माध्यम से भी हम एनर्जी देने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज उसके अंदर बहुत कम होती हैं। हम अपनी ओर से अपना प्रयास तो पूरा करते हैं, उस प्रयास में पूरा हमारा गौ सेवाधाम स्टाफ लगा हुआ है और उस प्रयास को हम करते रहेंगे। यदि हम किसी भी जीव को पालते हैं, वो गाय नहीं चाहे कोई भी हो, कुत्ता भी हम पालते हैं घर में, तो हमें उसको एक परिवार के हिस्से की तरह रखना चाहिए। इस गाय को जब ये समस्या हुई तो इसके जो ओनर थे वो रात को इसको बेसहारा करके चुपचाप यहाँ पर छोड़कर चले गए, क्योंकि वो अब इसकी आगे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहे। इलाज के लिए छोड़ सकते हैं, गौ सेवाधाम कभी मना नहीं करता, आप इलाज के लिए छोड़ें, लेकिन उसको एक परिवार का हिस्सा बताएं, ये नहीं बताएं कि ये बेसहारा या अनाथ है या इसका कोई मालिक नहीं है। आप यदि उसको पाल रहे हैं तो आप कहें कि हाँ वो आपकी गाय है, इसको अभी परेशानी है, इलाज की आवश्यकता है, आप इसका इलाज करें, और यदि आपसे कुछ उसकी सेवा पानी, कुछ खर्चा दवाई गोली का बनता है तो वो भी आप सहयोग अवश्य करें, क्योंकि संस्था तो है दान से ही चलती है। मेरा मानना ये है कि आप कोई भी जीव पालो, उसे परिवार के हिस्से की तरह ही रखें, उसके सुख दुख में हमेशा उसका साथ रहें।